पूछत पथिक तह मार्ग न तारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पूछत है बैद खात औखद न संयम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समय। पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के, हृदय बेबचार ना सह जा बुलाइए। गाए सुने आंखें मीचे पाइये ना परम पद, गुर उपदेश जो लो ना कमाइए। सतगुरु गरीब निवास, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे आशे अनुसार जीवन जीवन वाले गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु रूप खालसा जी, परम सत्कार योग वीरो भैनों बुजुर्गो नौजवान बच्चे बच्चियो, फतेह दी सांझ पावना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरदास जी पंथ दे महान विद्वान, गुरु नानक दे घर दियां रज के खुशियां प्राप्त करन वाले, श्री अकाल तख्त साहब दे पहले जथेदार, आद बीड़ दे लिखणहार, तिन्हां दे पावन बचन जिथों अज विचार आरंभ कीती है। भाई साहब जी फरमाउंदे ने, जे किसे मंजिल दा ज्ञान ना होवे ते जेड़ा उस मंजिल ते तुरिया होवे ना, ओदी संगत करनी जां उस तो पुछ लैण विच कोई हर्ज नहीं। पर जे मंजिल दा पता पुछिया पर उस मंजिल वाल कदम नहीं पुटिया, पूछत पथक तह मार्ग ना धारै पग, ते एक बड़ा वड्डा सवाल पुछिया भाई साहब ने, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वो की है, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। केवल गल्लां नाल मंजिल ते नहीं पहुंचिया जाना। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी का भी तो यह वचन है। सतगुरु फरमाउंदे ने, हर जस सुने ना हर गुण गावै, बातन ही असमान गिरावै। ना प्रभु की भगती कीती, ना सतसंगत विच आए, ना गुरु का हुक्म मनिया, ना गुरु के आशे अनुसार जीवन जीविया, भला गल्लां दे नाल किवें सोझी प्राप्त होएगी। अगली पंक्ति विच भगत कबीर जी फरमाउंदे ने, ऐसे लोगन स्यों क्या कही है, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही है। ऐसे मनुख जो केवल गल्लां दा खटिया खांदे ने, परमेश्वर दे मार्ग दे कदम नहीं पुटिया, जीवन बीत गया भगती नहीं कीती, हर जस नहीं गाया। सतगुरु दा बार बार फरमाउंदे ने, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो, फिर चेतावनी देंदे ने, अवसर बीतो जात है, कहो मान लै मेरो, समा लंघ रहा है। छिन पल करके ये रैन बीत रही है, ये जीवन रूपी रात है, खत्म हो रही है। रैन गई मत दिन भी जाए, चेता ही ता चेत, जुड़ उस परमात्मा दे चरणा दे नाल, जप उस सोने रब दा नाम। पर गल्लां नाल किवें परमात्मा नूं प्राप्त कीता जावे। गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों दिल्ली वल भेजिया अपने वड्डे सपुत्र बाबा राम राय नूं, बचन कीता सी,
औरंगजेब दे हृदय सिख धर्म बारे जो भी सवाल ने बेबाक हो के जवाब देना, किसे दा पै नहीं। गुरु तुहाडे अंग संग होवेगा, किसे तरह दा कोई डर नहीं। निडर होके जवाब देना, कोई करामात नहीं विखाउणी। जदों गुरु साहब का थापड़ा प्राप्त करके राम राय जी औरंगजेब दे दरबार विच गए, बाकमाल ढंग दे नाल बेबाक होके हर गल का जवाब दिता। औरंगजेब बड़ा प्रसन्न होया, कहन लगा कोई करामात विखाओ। हंकार दे विच आ गए, अपने पिता गुरदेव का वचन भुल गए। बस इत्थे टपला खाना सी। गुरु क्या सिखा, जदों तक पिता गुरदेव का वचन याद है जिंदगी दे विच तेरा भला ही भला है, पर जदों गुरु का वचन भुल जाएगा पल्ले कख नहीं रहना। राम राय करामातां दे विच डुल गया। इथों तक हंकारी हो गया कि बाणी दी पंक्ति भी जान बुझ के बदल दित्ती। एक बेनती करा, अनजान पुणे विच कोई गलती हो जावे, गुरु बख्शंद है, दयाल है, कृपाल है, बख्शंद है। पर गुरु क्या सिखा, जान बुझ के जे बाणी नूं असी गलत पढ़न दा यतन करांगे बख्शे नहीं जावांगे। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। सो जान बुझ के टपला खा गया। गुरु नूं जदों पता लगा बचन कर दिता, मेरे मत्थे ना लगे। संसार दे विच हर एक मनुख अपनी संतान दे मोह दे विच हार जांदा है। वड्डे वड्डे पाप कर्म करन लई तैयार हो जांदा है केवल औलाद दे मोह दे विच, परिवार दे मोह दे विच। ममता ऐसी चीज है, पर वाह मेरे सतगुरु, ज्योंदे जी पुत्तर नूं बेदखल कर दिता, क्योंकि जान बुझ के बाणी दा अपमान कीता। अपने छोटे पुत्तर श्री गुरु हरकिशन साहब जी नूं गुरता गद्दी ते विराजमान कीता। बाल अवस्था जान के राम राय ने कई प्रकार दे विरोध कीते, क्योंकि समरथ की खेड नूं नहीं पछाण सकिया, जां इउं कह लईए जाणदिआं होइआं भी अनजाण बन गया। आम तौर ते बाल अवस्था विच बालक अचेत ते निर्बल हुंदा है, ते किसे नूं कुछ देण विच असमर्थ हुंदा है, आप जो बालक है। पर सतगुरु गुरु हरकिशन साहब गुरु नानक दे घर दी जोत जदों प्रकाशमान होई ते सतगुरु ज्ञान दे दाते बने, परम समरथ हो गए ते सेवकां उत्ते बख्शिश करन वाले हो गए। शरीर बालक दा है, मत बुद्ध दा प्रगास हो गया। औरंगजेब ने अपनी नवी धार्मिक पॉलिसी का ऐलान कर दिता कि मुसलमान तो बिना कोई दूजा धर्म तबलीग नहीं कर सकता, भाव अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। राम राय जी औरंगजेब नूं अपनियां करामातां ते खुशामद दे नाल प्रभावित कर चुके सन। जदों मसंदा दे जोर नाल राम राय गुरगद्दी नूं प्राप्त ना कर सकिया ते बादशाह औरंगजेब दी मदद मंगी।
इतिहासकारां दे अनुसार राम राय ने इस प्रकार की फरियाद कीती कि वड्डा पुत्तर होण दे नाते उस दा गुरगद्दी ते हक है ते ओ बादशाह दी शरण विच है, उसनू इंसाफ दिलाया जावे ते फरमान जारी करके गुरु हरकृष्ण नू दिल्ली दरबार विच पेश कीता जावे। बादशाह ने यह फरियाद मन के गुरु हरकृष्ण साहब जी नू दिल्ली आउन दा सद्दा कलिया। इत्थे एक गल जरूरी है कि गुरु घर विच वड्डे छोटे दा ख्याल नहीं, इत्थे आरजा दी गल नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गुरता गद्दी अपने पोतरे नू बख्शी जद के गुरु तेग बहादुर साहब उस समय मौजूद सन। फिर औरंगजेब जिसने आप छोटे होने कारण गद्दी संभाल ली सी, कोई कॉल नहीं सी करना चाहता। औरंगजेब ने गौ नाल राम राय की गल सुनी अते गुरु हरकृष्ण साहब नू दिल्ली आन दा सद्दा कलिया। गुरु हर राय साहब जी ने ज्योति जोत समाउन वेले गुरु हरकृष्ण साहब जी नू मना कर दिता सी कि औरंगजेब दे सामने नहीं आना, ना ही किसे दियां धमकियां विच आना है। उस हुक्म दी रोशनी विच गुरु हरकृष्ण साहब जी ने दिल्ली जान तो इनकार कर दिता। गल वध गई, आखिर मिर्जा राजा जय सिंह ने विच पै के एक व्योंत बनाई। गुरु घर का आनंद सेवक सी गुरु हरकृष्ण साहब जी नू उसने इस गल ते लै आंदा कि वह औरंगजेब नू ना मिलन पर दिल्ली जरूर आउन, औरंगजेब के दरबार विच ना जान, मिर्जा राजा जय सिंह के बंगले विच टिकाणा करन। दूजे पासे मिर्जा राजा ने औरंगजेब नू भी इस गल लई तैयार कर लिया कि वह राम राय की रौ रियायत नहीं करेगा। मिर्जा राजा ने दीवान परशुराम भेजा कि आदर नाल गुरु जी नू दिल्ली लिया जाए। ज्ञानी ज्ञान सिंह की लिखत अनुसार गुरु साहब ने फरमाया, असी राजे दे प्रेम करके चले हाँ पर बादशाह नू दर्शन नहीं देवांगे। यह दर्शा के गुरु साहब दिल्ली आए ते मिर्जा राजा जय सिंह दे घर ठहरे। ओ पावन स्थान जिथे सतगुरां दे चरण पए, अज गुरु द्वारा बंगला साहब दे नाम नाल जगत प्रसिद्ध है। जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी का दिल्ली वल जाना सिखां ने सुनिया ते हजारां दी गिणती विच अपना काम काज छड के गुरु के सिख नाल चल पए। सिखां नूं अंदरों यह भासदा सी कि औरंगजेब एक दुष्ट बादशाह है जिसने सरमद जिहे संत पीर शाह मुहम्मद बदखशानी वर्गे फकीर नहीं छड़े, गुरु साहब दे नाल किसे प्रकार की कोई ज्यादती ना होवे। ऐसी सूरत विच ओ जाना वार देंगे पर गुरु साहब ने सारयां नू वरज दिता। अंबाले दे नेड़े पंजोखरा साहब पुज के सतगुरा ने लकीर पा दिती ते हुक्म कीता, कोई गुरु का सिख इस लकीर नू टप के दिल्ली वाल नहीं आएगा। गुरु समर्थ है, गुरु दयाल है, सिर्फ कुछ चोणवें सिख अपने नाल रखे। इतिहास विच उन्हां दे पावन नां भाई दरगाह मल, भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई गुरदित्ता, भाई सतीदास अते मसंद गुरबख्श मल करके लिखे हैं। माता जी ने भी उन्हां नाल टुरन लई कहा।
पंजोखरे गुरु साहब दे गिरद इतनी संगत इकत्र देख के एक हंकारी पंडित लाल चंद ने पुछया ये कौन हन। जदों दसया गया ये गुरु हरकृष्ण जी हन तां उसने कहा ना तो भगवान कृष्ण तो भी वड्डा है कि गीता दा सार इन्हां नूं है। पंडित सतगुरां दे सन्मुख होया ते हंकार विच इहो बचन बोले जिवें कि आप इतिहास तो जाणू हो। सतगुरां ने बचन कीता कि किसे भी पुरश नूं सामने लै आओ तां कि पंडित दी तसली हो जाए। पंडित लाल चंद पंजोखरे पिंड तो जात दा एक छियोर लिया आया जो घा कठी कर रहा सी। सतगुरु गरीब निवाज ने दृष्टि कीती ते उसने पंडित दे पढ़े गीता दे सलोकां दे अर्थ करके सारयां नूं चकित कर दिता, हैरान कर दिता। एक करामात वेख के लाल चंद गुरु का सिख होया ਅਤੇ ਉਸੇ ਝਿਓਰ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਰ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖਣ ਲਈ कि गुरु नानक दी गद्दी उत्ते बैठन वाली जोत दा स्वरूप ओह है जां नहीं। मिर्जा राजा जय सिंह ने एक परचा जिहा गुरु सामने पा दिता। जय सिंह दे घर राणियां ते गोलियां सन, सारियां दा लिबास ते बननी इक्को जिही सी। गुरु जी ने अपनी छड़ी दे इशारे नाल पटराणी नूं वख करके दसिया औरंगजेब तक भी गुरु साहब दियां अजमत दियां साखियां पुजियां। फिर उसने राम राय दे पक्ष नूं झूठा कह के रद्द कर दिता। कई इतिहासकारां ने यह भी जिक्र किया है कि औरंगजेब ने इस मामले विच दखल देना बंद कर दिता अते सिखां ने गुरु हरकृष्ण साहब नूं ही अपना इष्ट किया। राम राय नूं सत पिंड खुरबड़ा, तमवाल, चमाधरी, दर्तनावली, पंडितवाड़ी, म्यावल ते राजपुरा जागीर वजों औरंगजेब ने दिते। इत्थे ही पिछों देहरादून वसिया। कुछ समा पा के दिल्ली विच धर्म प्रचार दे काम नूं देखदे रहे। रोज दीवान हुंदे ते संगतां बाल गुरु दे दीदार करके मुड़दियां। इस प्रचार ने सिखी दिल्ली दियां नुक्करां तक पहुंचाई। जो भी गुरु साहब नूं भेटां वजों प्राप्त हुंदा आप जी लोड़वंदां विच वंड दिंदे सन। जदों हैजे दी बीमारी फैली तां आप जी लोकां दियां पीड़ां हरण लई महल्लियां ते घरां विच जांदे। आप जी झरोके विच बैठ के दर्शन भी दिंदे ते दुखी चरणामृत लै के दुख दर्द दूर करदे। राम राय ने जदों वेख्या कि हुण औरंगजेब दे दरबार दे विच भी मेरी अजमत नूं खतरा है, मेरी गल नहीं सुनी गई, ते वह देहरादून वाल चला गया ते अपनी वक्ख संपर्दा बना के बैठ गया। सतसंगियो, क्योंकि दास दा संबंध भी देहरादून नाल है, इत्थे एक बेनती करा। दास दे बजुर्ग पाकिस्तान बनन तो बाद देहरादून आण के वसे, सो दास दा जन्म, एजुकेशन, कमकार, किरत विहार, अगों परिवार अज भी देहरादून दे विच है। ओ अस्थान जो राम राय दा डेरा कहा जांदा है, निक्के हुंदिया जदों माता जी दी बांह फड़ के
गुरुद्वारे जाना ते उथे इस अस्थान ते भी क्योंकि राह दे विच पैंदा सी सिख संगत जांदियां सन इस अस्थान ते अज भी ओ थड़ा मौजूद है जिस थड़े उपर सतगुणा ने जदों कलगीधर पातशाह देहरादून की धरती ते आए क्योंकि जेड़ी गल दास आप जी नाल सांझ पाउण लगा शायद बहुतियां नूं ना पता होवे। इस ना मालूम गल दा जिक्र तां लाजमी है क्योंकि दास बचपन तो आप ओ थां दर्शन करदा रहा नेता प्रति दी हाजरी उस अस्थान ते कई वरिया तक। इतिहास के नाल जुड़ी एक गल सांझी करां साध संगत जी, जदों मसंदा ने राम राय नूं जींदिआं साड़ दिता ते उन्हां दे महल माता पंजाब कौर कलगीधर पातशाह दे दीदार करन लई पौंटा साहब आए क्योंकि सतगुरु ने सतवें जामे विच वचन कीता सी कि राम राय दे मत्थे कोई ना लगे। माता पंजाब कौर ने आण दा सद्दा भेजिया। सतगुरां ने यमुना दे विच एक पासों माता पंजाब कौर बेड़ी ते बह के आए, पौंटा साहब वाले पासों मेरे पातशाह बेड़ी दे विच ते यमुना दे विच माता पंजाब कौर नूं मिले ते उन्हां वचन कीता भावें बाबा राम राय ने गलतियां कीतियां गुरु घर वालों छेके गए पर है तां तुहाडे बजुर्गां दी अंश बंस है, सो उन्हां दी हत्या दा बदला लो। मसंदा ने जींदे जी राम राय नूं साड़ दिता। जदों ये वचन सुनिया सतगुरु तैयारे किते कुछ सिखां नूं नाल लैके देहरादून की धरती ते आए ते महाराज ने एक थड़े उपर तेल का कड़ाह तैयार करके उस दे विच मसंदा नूं जिउंदे साड़िया। दास उस कड़ाहे दे उस थड़े दे जिथे एक निक्का जिहा सरोवर भी बनिया सी दास कई वरिया तक जेड़े बुजुर्ग देहरादून नाल संबंधित ने वो जानते ने आप दर्शन करते रहे पर लगभग 30-35 वरे तो यह कड़ाया पता नहीं केड़ी कुचल चाल दे हेठां उतों गायब कर दिता गया। मता किते आउण वाले समयां विच कोई सिख यह गुरु अस्थान होण दा दावा ना कर दवे। सो यह साडी बदकिस्मती है जो साढ़े सो कॉल्ड लीडर उस अस्थान नू संभाल ना सके। अज उत्थे पूर्ण तौर ते राम राइयां दा कब्जा क्योंकि सिखां ने कदी इस अस्थान दी संभाल बारे सोचिया भी नहीं। मुआफ करना एक एक करके ऐसे कई अस्थान असी अपने हथों गवा ले ने ते जे सुचेत ना होए ते अगां भी ऐसे नुकसान दे लई असी सदा तैयार रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।